फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं। आप जिस टाइम भी खाइए आप इसे इंजॉय करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकौड़ा की, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए थे, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के लिए मैंने 1 विसल हाई फ्लेम पर, उसके बाद 5 मिनट के लिए उसे लो फ्लेम पर करके छोड़ दिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू को पील कर लिया है, छील लिया है। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, ऑयल गरम होने के बाद ही हम यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून जो है कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के सीड्स ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमारे सीड्स फ्राई हो जाएंगे, हम यहाँ पर 3 से 4 ग्रीन चिली और 1 कटोरी कोरिएंडर लीव्स को हम चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून अजवाइन का पाउडर और उसे मिक्स कर लिया है। उसे मिक्स करते ही मैंने यहाँ पर जो हमारे आलू थे, मैश्ड पोटैटो, उसे मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, ऐड कर लिया है। उसके बाद दे दिया है इसे एक बहुत ही अच्छा मिक्स। इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह हम पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है, यानी नमक ऐड कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ऐड कर दी है और 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च ऐड करी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून जो है धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड किया है और अगेन यहाँ पर दे दिया है एक बहुत ही अच्छा मिक्स। इसे हम इसी तरह 1 से 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है चाट मसाला और कर लिया है बहुत अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स। फ्लेम आप अपनी लो ही रखिएगा। यहाँ पर जो हमारा मसाला है ब्रेड पकौड़ा के लिए वो रेडी हो चुका है, इसे यहाँ पर ठंडा होने दीजिए। बेसन का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ कसूरी मेथी ऐड कर दी है। 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है और पिंच ऑफ यहाँ पर मैंने मीठा सोडा यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लीजिएगा और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करते रहिएगा और बहुत अच्छे से मिक्स करके आप स्मूथ बैटर बना लीजिएगा। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं, उसे बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर हमारी स्लाइसेस कट हो चुकी हैं। सबसे पहले एक स्लाइस पर मैंने यहाँ पर टमाटो केचप लगाया है, आप चाहे तो दूसरी स्लाइस पर कोई हरी चटनी भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही स्लाइस पर टमाटो केचप लगाया है और उसे स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर दूसरी स्लाइस पर मैं जो हमने आलू मसाला बनाया था वो मैंने यहाँ पर इसको स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। बहुत ज़्यादा आलू नहीं लेना है हमें। उसके बाद मैंने दोनों स्लाइसेस को यहाँ पर अच्छे से जॉइंट करके प्रेस कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद हमने जो हमारा ब्रेड के पीस थे उसे बैटर में डिप करके हमने तेज़ आंच पर, जो हमारा ऑयल गरम हुआ है उसमें हमने ब्रेड डाल दिया है। उसके बाद फ्लेम को धीरे कर दिया है। 30 सेकेंड्स हम इसको इसी तरह से पकाएंगे, उसके बाद हम टर्न करेंगे। बी केयरफुल, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। लीजिए 2 से 3 ही मिनट में हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना फ्लफ़ी, सॉफ्ट, क्रिस्पी बना है।
सो लीजिए कैसी लगी रेसिपी बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.